महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सादा जीवन, उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल, गंभीर एवं संवेदनशील था। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी। राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। त्याग की सीमा नहीं होती है। महात्मा गांधी। कुछ दैदिप्यमान नक्षत्र इस पृथ्वी पर जब मानव रूप में जन्म लेते हैं तो वे अपने कुल का ही नहीं समस्त देश का सिरमौर बन जगमगाते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व ऐसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र के समान था। किसी भी देश का प्रथम नागरिक या राष्ट्र प्रमुख अत्यंत त्यागमय और सादा जीवन यापन करने वाला हो सकता है, इसका वे प्रत्यक्ष प्रमाण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय के द्वारा आयुर्वेद तथा यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार बन गए थे। वे गरीबों का उचित इलाज करते हुए उन्हें मुफ्त दवा भी दिया करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। ये सारे गुण पुत्र को पिता से अनायास ही प्राप्त हो गए थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही रामायण और महाभारत की अनेक कहानियां सुनाई थी। इस तरह स्वाभाविक रूप से माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव, धार्मिक प्रवृत्ति आदि गुण पुत्र में स्वतः चले आए थे। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक बाकी बच्चे कक्षा में पहुंचते, तब तक मौलवी साहब को वे पिछले दिन का पढ़ा पाठ सुना चुके होते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। बाद में उन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। वे बहुभाषी विद्वान थे तथा उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा पर उन्हें पूर्ण अधिकार था। वे इन भाषाओं में धारा प्रवाह बोल और लिख सकते थे। उन्हें गुजराती तथा संस्कृत भाषाओं का भी समुचित ज्ञान था। तत्कालीन प्रचलित परंपरा के अनुसार मात्र 12-13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। लेकिन ये विवाह इस अटल साधक के विद्यार्जन में कभी भी बाधक नहीं बना। उनकी पत्नी उनकी अनुचारिणी सिद्ध हुई। वे निरंतर परिवार की देखरेख तथा सेवा में लीन रही और पति की ही भांति परोपकारिणी, दया धर्मिणी तथा कर्तव्य निष्ठ रही। राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने ही राजेंद्र बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी। यद्यपि राजेंद्र बाबू ने अपनी वृत्ति की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी, परंतु देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा हलचलों के प्रभाव से वे अछूते नहीं थे। वे अपने आसपास की परिस्थितियों का बौद्धिक एवं तार्किक आकलन भी कर रहे थे और उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनकी आवश्यकता परिवार से अधिक मातृभूमि को है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
जो उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण संभव नहीं हो पाया। वे इसके लिए हृदय से बहुत दुखी भी रहे। वस्तुतः संपूर्ण परिवार का भार वे अपने भाई पर ही डालना नहीं चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन आदि पूरे उफान पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अब इनसे अछूते न रह सके। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो उनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र न था। उनका झुकाव आश्चर्यजनक रूप से पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया और गांधी जी के विश्वास पात्र बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर भी वे सामाजिक समस्याओं के प्रति अपने दायित्वों को नहीं भूले। वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों में वे रात दिन का अंतर भूलकर भोजन और कपड़ा बांटते रहे। समाज कल्याण हेतु उनकी निस्वार्थ और कठिन साधना सचमुच वंदनीय रही है। उन्होंने सदैव ही सादा जीवन व्यतीत किया। गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनमें आत्मनिर्भरता की भावना और अधिक बढ़ गई। राष्ट्र एवं गांधी जी के प्रति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का भाव रखते हुए वे स्वतंत्रता आंदोलन में जी जान से कूद पड़े। बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने स्वयं संभाला और गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई। वर्ष 1934 में उन्हें अपने भाई की मृत्यु से गहरा आघात लगा, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे। 1939 से 1947 तक के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। स्वतंत्रता आंदोलन स्वशासन की ओर पग बढ़ा रहा था। विदेशी शासकों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे और इसी समय एक और गहरी चोट उन्हें पहुंची। वह थी जीरादेई में भड़के दंगे। ये विभाजन की विडंबना थी जिससे फसाद ने स्वयं ही जन्म ले लिया। उनका जन्म स्थान कभी हिंदू मुसलमान सौहार्द का प्रतीक रहा था, वहां दोनों समुदायों द्वारा इकट्ठे होकर दिवाली के दीपक जलाए जाते थे, मोहर्रम पर ताजिए निकाले जाते थे, पर अब वही स्थान जल रहा था। वे बुरी तरह आहत हुए। उन्होंने वहां के समस्त लोगों से अपील की कि वे विचारों से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि वे एक दूसरे का रक्त बहा दें। अंततः सारे प्रयत्न विफल रहे और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। उससे पूर्व वर्ष 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। जब 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना तो वे सर्वसम्मति से देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इस महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण सेवा काल में राष्ट्रपति भवन का कभी भी निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। ये उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे और अपनी पत्नी के हाथ से बना भोजन ही ग्रहण करते थे। ऐसे निस्वार्थ राष्ट्रप्रेमी को शत शत प्रणाम। समस्त राष्ट्र का स्वामी होने के बावजूद उन्होंने किसी भी विशिष्ट सुख सुविधा का अपने लिए कभी उपयोग नहीं किया। वे स्वयं रेलवे की सामान्य श्रेणी में ही यात्रा करते थे। जनसंपर्क में रहना तथा आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत भाता था। उनके द्वारा रचित कुछ विशिष्ट पुस्तकों में उनकी आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में आदि उनकी प्रमुख उल्लेखनीय पुस्तकों में शामिल है। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। सन 1962 में उन्हें
भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके वे सच्चे अर्थों में हकदार थे। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी यही लीला समाप्त होने के साथ एक महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई।